जीएस का मॉक टेस्ट 12, इससे पहले मैं 11 टेस्ट डाल चुका हूँ, तो प्लीज आप लोग उन्हें जरूर देखें। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? ओके, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, सही नहीं पूछा है, नॉट ट्रू। ओके, पहला ऑप्शन, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। दूसरा, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को सजा देने का प्रावधान नहीं है। तीसरा, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। एंड लास्ट, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भेजता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सी, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उन्हें जरूर देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा 1628 ईस्वी स्थापित ब्रह्म समाज की आध्यात्मिक स्वरूप किसने दिया? ओके, केशव चंद सेन ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, द्वारकानाथ टैगोर ने, आत्मराम पांडुरंग ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? दूसरा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, देवानाथ टैगोर के बारे में अगर और देखें तो इन्होंने 1847 तत्वबोधिनी नामक सभा की स्थापना की और साथ ही तत्वबोधिनी मासिक पत्रिका भी निकाली। ओके, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? संस्था और प्रवर्तक। ओके, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, सोशल सर्विसेस ली, जेपी नारायण, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, पूना सेवा सदन रमाबाई रानाडे। ओके, तो कौन सा नहीं है? बी, सोशल सर्विस जेपी नारायण द्वारा नहीं बल्कि एन एम जोशी द्वारा लिखी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य का संसद में कुल कितनी सीटों पर प्रतिनिधित्व है? ए 40, बी 29, सी 11, डी 48। ओके, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, संसद में आपसे पूछा, संसद यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा। ओके, तो आप क्या करना है, चूंकि आपको पता है कि लोकसभा में मध्य प्रदेश के 29 है, राज्यसभा में 11, तो दोनों को जोड़ के आंसर देना है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए 40। ओके, नेक्स्ट, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ए ऑप्शन पीटी उषा, दूसरे मैरी कॉम, तीसरा अंजलि भागवत, डी कर्णम मल्लेश्वरी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? डी कर्णम मल्लेश्वरी। इसमें 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत की कर्णम मल्लेश्वरी ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा था। ओके, इसके साथ ही कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी, वह उस समय व्यक्तिगत पदक जीतने वाली चौथी भारतीय थी। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? आइसलैंड, इजराइल, वियतनाम, क्यूबा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? ए आइसलैंड को। ओके, अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देने के पश्चात आइसलैंड को इस परिषद का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की औपचारिक शुरुआत की गई, निम्नलिखित में से इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा इस भुगतान बैंक का शुभारंभ किया गया, इसमें 1.50 लाख रुपए तक की जमा राशि जमा की जा सकती है। नेक्स्ट, सुरेश सेठी इस बैंक के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। डी 31 दिसंबर 2008 तक इस तक देश के 1.55 लाख डाकघरों को इस बैंक से जोड़ने का लक्ष्य है। ओके,
तो जो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा, बी, ये कथन सही नहीं है क्योंकि इसमें जो इसकी लिमिट है, ओके, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक की राशि ही जमा की जा सकती है और साथ ही इसमें जमा राशि पर 4% का ब्याज भी मिलेगा आपको, ओके। तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, भारत एजम्पशन द्वीप पर हवाई पट्टी और नौसैनिक सुविधाओं का विकास करेगा, यह किस देश में है? सेशल्स, मॉरिशस, फिजी, केन्या। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? सेशल्स। सेशल्स के एजम्पशन द्वीप पर हवाई पट्टी और नौसैनिक सुविधाओं का विकास करेगा भारत। नेक्स्ट, निम्न में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? शरद कुमार, केबी चौधरी, श्रीनिवास राव, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो किसे किया गया है? शरद कुमार। गाइस, इसमें करंट अभी का अपडेट रहता है, ये इसी वीक की न्यूज है। ओके, तो मैं इसमें आपको कोशिश करता हूँ कि आपका पूरा करंट अफेयर अभी तक का अपडेट रहे, इसलिए अगर आपके क्वेश्चन अच्छे से करने हैं तो आपको करंट अफेयर दूसरी जगह से करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें पूरा करंट अफेयर आपका रहता है। ओके, नेक्स्ट, वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ए, मल्टीमीडिया की कमियां, दूसरा ईमेल की कमियां, तीसरा हैकिंग की कमियां, एंड डी, वायरस की कमियां। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? डी, वायरस की कमियां। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के संदर्भ में सूची एक को सूची दो से मिलाइए। ओके, सूची एक, सूची सेकेंड, पंजाब हिमालय है इस तरह से दिया है। यहाँ दिया है तीर्थ तथा दिहांग नदी के बीच, कुमाई काली तथा तीस्ता नदी के बीच, हिमालय सतलज तथा काली नदी के बीच, असम हिमालय सतलज तथा सिंधु नदी के बीच, आपको मैच करना है कौन सा। ओके, तो मैं बता दे रहा, जो पंजाब हिमालय है आप जानते हैं पंजाब हिमालय का पंजाब में ही होगा ना। अब देखिए इनमें से अगर आप देखें, ओके, तो आपको ये लगेगा कि पंजाब जो है सतलज, सिंधु और सतलज, ये वाला ऑप्शन सही है कि काली नदी इस साइड है, ठीक है, उत्तराखंड, तो पंजाब वहाँ नहीं होगा, इसलिए ए का कौन सा होगा? फोर। अब ए का फोर देखिए दो में है। ओके, तो ए का कौन सा है? फोर वाला। अब कुमायूं हिमालय देखते हैं। ओके, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में, ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो आप देखिए यहाँ पे सतलज तो होगी वहां पे और काली नदी, तो दो तो हम लोगों ने कर लिया। ओके, अब देखते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता, क्योंकि आपको पता है तीस्ता नदी है ना सिक्किम के साथ रहती है, तो सिक्किम भूटान पास से तीस्ता नदी, इसलिए हिमालय तो होगा ही, तो काली तथा तीस्ता नदी के तो सी का टू हो गया। अब देखिए आप आंसर निकालिए, 4, 3, 2 है ना, एंड डी का, असम का क्या होगा? दिहांग नदी, वैसे भी आपको पता था ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी असम है ना, असम में ही है, तो कौन सा होगा? वन। ओके, अगर आपको ये पता होता कि असम है हिमालय है ना दियांग नदी, तो आप सिर्फ इसी से करके ले जाते, क्योंकि डी में एक ही ऑप्शन था, वन। ओके, तो आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस तरह क्वेश्चन को आंसर वेरी इजी होता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थित है? रायसेन, कटनी, सागर, खरगोन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रायसेन। मध्य प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क रायसेन में है। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के दो सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? ओके, तो अनुच्छेद 330, 331, 333, 335 किसके तहत करता है? 331 के तहत। ओके, आपको याद रखना है ये अधिकतम दो सदस्य प्रतिनिधियों को ही कर सकता है। ओके, 331 के तहत। आंग्ल भारतीय होते हैं जिसके पेरेंट्स में से वन ऑफ देम, ओके, कोई भी ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश यानी कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसका ब्रिटिश इंग्लैंड का होना चाहिए निवासी ना, और एक क्या होना चाहिए? इंडियन। ओके, तो वो कौन कहलाते हैं? उनकी जो चाइल्ड होगा वो आंग्ल भारतीय कहलाते हैं, इंडो, ठीक है ना, एंग यानी कि, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से आपको ये याद रखना है कि अभी करंट में जो है वर्तमान मनोनीत आंग्ल भारतीय दो सदस्य जो हैं प्रोफेसर रिचर्ड हे और श्री जॉर्ज बेकर हैं, ये आपको नाम याद रखने हैं, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की? तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने,
सरोजनी नायडू और तेज बहादुर सप्रू ने, जयकर और सरोजनी नायडू ने। ओके तो करेक्ट आंसर क्या है? ए तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ओके यह दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे सरोजिनी नायडू थी ना, इन्होंने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था उनके मेल को, बट उन्होंने ये वाला समझे ना मध्यस्थता की भूमिका नहीं निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार से प्राण स्वतंत्रता समानता और व्यक्ति की गरिमा संबंधित ऐसे अधिकार अपरिहार्य हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय संविधानों में सन्निधिष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। यह परिभाषा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में दी गई है? धारा 2B, धारा 2C, धारा 2D, धारा 2A। ओके तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? सी, इसका अर्थ किसमें दी गई है? 2D में। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किसे वरिष्ठता को छोड़ते हुए प्रथम बार मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? बनाया गया ए एन रे, वाई बी चंद्रचूड़, पी एन भगवती, के एन सिंह। ओके तो करेक्ट आंसर क्या है? ए एन रे। ओके इन्हें ए एन रो को 25 अप्रैल 1973 को जस्टिस जयशंकर मणिलाल सेलेट, जस्टिस ए एन ग्रोवर एवं जस्टिस एस हेंगड़े, इन 3 वरिष्ठता के ऊपर वरीयता देते हुए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ओके क्योंकि जो बाकी जो थे ये उस समय किसमें थे? जो केशवानंद भारती मामला था उसमें अपोजिट इन्होंने डिसीजन दिया था। ओके सरकार के केशवानंद भारती आप जानती हैं 24 अप्रैल 1973 को आया था इसका, तो उसके जस्ट बाद उसी दिन क्या हुआ था, सीकरी साहब जो थे वो रिटायर हो गए थे ना, तो उन्हीं के बाद फिर इन्हें बनाया गया था ए एन रे को। नेक्स्ट, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 ऐसे आर्थिक अपराधियों पर भी लागू होगा जिन पर बैंक का खालिस्तान करोड़ से अधिक करंट बकाया हो। के ये खासतौर पे विजय माल्या जी जब अभी ऐसा किए हैं उस पे आया है ना, तो 50 करोड़, 500 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़। ओके तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, 100 करोड़ से अधिक करंट बकाया हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकेले लड़ाकू विमान MiG-21 उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बन गई? अवनी चतुर्वेदी, संगीता चौबे, रचना दुबे, अंकिता जैन। ओके तो कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमपी के एग्जाम के लिए। ओके अब बाकी एग्जाम के लिए भी है बट एमपी के लिए तो मोस्ट ही मोस्ट है, आप इसे रट मारिए। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की अवनी चतुर्वेदी अकेले लड़ाकू विमान MiG-21 लड़ाने वाली भारत की पहली महिला है। ओके ये रीवा से है, ये भी याद रखना है आपको। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप पे, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, सिक्किम में। ओके तो कहाँ पे है? ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। विद्युत उत्पादन क्षमता 5.2 मेगावाट है। ओके नेक्स्ट, हाल ही में भारत को अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1 STA 1 का दर्जा प्रदान किया। STA 1 से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? भारत व STA 1 का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्व का 37वां देश है। यह दर्जा एशिया में भारत को शामिल कर कुल 3 देशों को प्रदान किया गया है। सी, एशिया के अन्य 2 देश जापान तथा दक्षिण कोरिया हैं। एंड डी, भारत को यह दर्जा मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण संधि की सदस्यता मिले बिना ही दिया गया है। ओके तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। अमेरिका ने मित्र देश है ना, अपने मित्र देश भारत को बिना परमाणु आपूर्ति का समूह सदस्यता मिला बिना ही एसटीए का दर्जा दिया है। नेक्स्ट करते हैं गाइस, में महिला साक्षरता की दर कितनी है? ए 60%, बी 64.64%, सी 65%, एंड डी 68%।
ओके 68.5% है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। बी इज अ करेक्ट आंसर। इसमें अगर देखें तो भारत की जो साक्षरता है 72.99% है, ओके यानी 73%, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.89% एवं महिला साक्षरता 64.64% है। ओके नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वंश कश्मीर राजवंशों से संबंधित नहीं है? कारकोड वंश, उत्पल वंश, पाल वंश, लोहार वंश। मैंने उस दिन ही बताया था कश्मीर के तीन वंश जो हैं कौन से हैं, कारकोड, उत्पल और लोहार। इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने, संस्थापक से हैं ना, तो आप कुलदास, ओके ऐसे याद रख लिए। ओके कुलदास ये ए है, थोड़ी से ऐसा भी मैंने स्टार्ट ही किया है ना, मैं भी आप लोग ऐसे एक स्टूडेंट हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ ना, पीएससी भी अभी मेंस दिया था मैंने, अनफॉर्चुनेट मेरा मेंस में नहीं हुआ, और यूपीएससी का भी मेंस दिया था। ओके तो अभी स्टार्ट ही किए तो ये लिखने में थोड़ी सा हो जा रहे हैं ना, ये कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, ये इसके यहाँ संस्थापक हैं, तो कारकोट वंश का जो संस्थापक था दंतीदुर, ओके उत्पल वंश का ए से अवंती वर्मन एंड एल से लोहार है, और यहाँ कौन है, एस से संग्राम राज। ओके नेक्स्ट करते हैं, गुरु पकड़ शब्दावली का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, कुश्ती, मलखम, खो खो। ओके तो जो गुरु पकड़ है किससे है? सी मलखम से, गुरु पकड़। ओके नेक्स्ट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप की किस संरक्षित जनजाति ने एक अमेरिकी व्यक्ति की नवंबर 2018 में हत्या कर दी? सेंटलीज, जारवा, सेंपेन, इनमें से कोई नहीं, तो कौन थी? सेंटलीज, बहुत ही चर्चा में थी ये। ओके सेंटलीज द्वीप भी है वहां पे, तो आप इसे याद रखिए। ओके उस अमेरिकी व्यक्ति का नाम जॉन एलन चाउ था, तो वो भी याद रखिए। ओके नहीं एग्जाम में वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा में अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इनकार करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? धारा 7, धारा 5, धारा 8, धारा 11। ओके किसमें किया गया? धारा 5 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? 31वां संविधान संशोधन 1973, 36वां संविधान संशोधन 1975, 44वां संविधान संशोधन 1978 एंड 55वां संविधान संशोधन 1986। ओके तो जो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ए 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक को यूनानियों से भारत को मुक्त करने के कारण भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है? ओके चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, पुष्यमित्र, सुंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए चंद्रगुप्त मौर्य। ओके क्योंकि उस समय जो उसका सेल्यूकस निकेटर था उससे युद्ध करके हराया था। ओके चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर विश्व का पहला पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? हैम्बर्ग, ओस्लो, एम्स्टर्डम, कोपेनहेगन। ओके तो कहाँ पे किया गया? ए हैम्बर्ग में, जर्मनी में ना, हैम्बर्ग कहाँ है? जर्मनी में। नहीं आपको करके जानो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रेलवे जोन और मुख्यालय, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। ओके तो इसका जो करेक्ट कौन सा नहीं है? बी दक्षिण पूर्व रेलवे जो है वो गॉर्डन रीच कोलकाता में, ना कि भुवनेश्वर। ओके कई संख्या में 17 जोन है रेलवे के, मैं आपको किस दिन पूरा कंप्लीट करवा दूंगा वीडियो में। ओके नेक्स्ट, वर्ष 2018 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट मनाया गया है? 26 जून, 27 जून, 29 जून, 30 जून। ओके तो कब मनाया गया? 30 जून को।
ताकि दुनिया भर में संसदों की भूमिका को लोकतंत्र के अनिवार्य आधार के रूप में उजागर किया जा सके। ये इम्पोर्टेंट है गाइस, 30 जून 2018 को मनाया जाता है ना, स्टार्ट हुआ है इसलिए। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? गया बिहार, तूतीकोरिन तमिलनाडु, सतारा महाराष्ट्र, मेरठ उत्तर प्रदेश। ओके, तो कौन सा मिला है? सतारा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कायस्थों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, बृहस्पति स्मृति में, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो जो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? बी, याज्ञवल्क्य स्मृति में। ठीक है, तो कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, लेकिन जाति के रूप में इनका पहला उल्लेख उष्णस्थ स्मृति में मिलता है। ओके, ई गवर्नेंस इंडेक्स 2018 के विषय में दिए गए कथनों में से सत्य कथन कथनों का चयन करें। पहला, यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक में भारत का स्थान 96 है। इस सूचकांक में सही स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। ओके, आपको चूज करना है, 1 और 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? ए, 1 और 2 सही हैं, तीसरा रॉन्ग है। ओके, ई गवर्नेंस इंडेक्स 2000 जारी करता संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया को मिला है। ओके, तो शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया को नहीं, सेकेंड है, पहला डेनमार्क को है। भारत का 96 है ना। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यह सर्वे प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। ओके, भारत के किस राज्य की विधानसभा को वहां के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 21 नवंबर 2018 को भंग कर दिया? जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर क्या है? जम्मू और कश्मीर। ओके, इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ गाइस, क्योंकि वहां का संविधान अलग है। इसलिए जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू एंड कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद 53(2)(6) के, देखिए वहां 53(2) सब सेक्शन 6 के तहत अधिकार का प्रयोग करते हुए वहां की विधानसभा को भंग कर दिया। देखिए आपको पता है, जबकि अगर किसी अन्य राज्य में होता तो कौन सा लगता है? 356, क्योंकि उसमें कौन सा है? स्टेट इमरजेंसी है, 3 प्रकार की जो हमारी है आपातकाल, उसमें से एक। लेकिन वहां पे कौन सा लगा? 53(2)(6) अनुच्छेद है ना वहां के संविधान का। 20 जून 2018 से वहां राज्यपाल शासन 6 माह के लिए लागू है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती की सरकार समर्थन वापस लेने के बाद राज्यपाल शासन लगाया गया था। ओके, नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत यदि लोक सेवक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अन्वेषण में जानबूझकर उपेक्षा करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन अस्वस्थता का अपराध किया है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का दुष्पेषण किया है, एंड लास्ट ऑप्शन है इस अधिनियम के प्रावधानों का अतिक्रमण किया है। ओके, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सी, कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का दुष्पेषण किया है। ओके, ये धारा 10 के तहत है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने 18वें एशियाई खेलों में पुरुष एवं महिला कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता? भारत, जापान, ईरान, दक्षिण कोरिया। तो कौन सा है? ईरान। ओके, पुरुष एवं महिला कबड्डी में दोनों में स्वर्ण जीता है। भारत को पुरुषों कबड्डी में कांस्य तथा महिला वर्ग में रजत पदक ही मिला है। ओके, कबड्डी यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है और इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। मैंने आपको पहले इसकी ट्रिक बता दी है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो खेल्स की मैंने ट्रिक की है, ट्रिक से वीडियो पढ़ा है, उसे आप जरूर देखें। ओके, संगम साहित्य के किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना तुलक पियर ने की थी? शिल्पाधिकारम, कुरल, अहरानुभु, तुलक पियम। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? डी, तुलक पियम। गाइस, इसमें कुछ जो ग्रंथ है शिल्पाधिकारम जो है ये भी आप याद रखिए, इसकी स्थापना की थी शीतलई सतनाल ने। ओके, और जो बाकी हैं तुलक पियम तो आप याद रखिए,
और तिरुकुरल या कुल जो है वो तिरुवल्लूर ने की, एहना नूरू रुद्र शर्मन ने की, एक और इसका ग्रंथ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मड़ी मेखलई उसकी तिरुक्त देवर ने की। ओके, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका अर्थ है यूएनडी, यूएनएफ है ना, यूएनईपी, यूएनएफ ने किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के पहले पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपे घोड़ा हवाई अड्डे, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, तो कौन सी किसको दी है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में इस हवाई अड्डे को क्या चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है? ओके, केरल के। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, वेनेजुएला, इंडोनेशिया, ब्राजील। ओके, तो जो भूमध्य रेखा है इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती, आपको ये बताना है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? वेनेजुएला। अब जब दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ओके, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? 7, 4, 5, 6। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? 8, सॉरी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी है, देश आपसे पूछा है, ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं? 8 है ना, सिक्किम प्लस 7 7 सिस्टर जो कहलाती है। तो 5 देशों से करती है, चीन, म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिताभ कांत, विवेक देवराय, साइरस मिस्त्री, सौम्य कांति घोष, कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट, ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित हैं? स्नूकर, टेबल टेनिस, गोल्फ, हॉकी। तो किससे हैं? गोल्फ से। ओके, गाइस मैं आपको गोल्फ के बारे में बता दूं ना, इसकी शुरुआत स्कॉटलैंड में हुई थी। गोल्फ कोर्स का आकार 125 से 175 एकड़ में होता है। बॉल का वजन जो होता है वो 45.9 ग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। परिधि 4.27, छिद्र का जो उसमें व्यास होता है 4 इंच होता है। ओके, यूनाइटेड किंगडम के रॉरी मैकलरॉय वर्तमान प्रथम रैंकिंग पर हैं गोल्फ में। अमेरिका के टाइगर वुड्स गोल्फ के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ी माने जाते हैं। ओके, निम्नलिखित कथनों पर कौन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, तुगलक वंश के सुल्तानों दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूम खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। एंड इब्न बतूता ने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। ओके, तो कौन सा है? बी, कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूम खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, ये सही नहीं है। ओके, गाइस इसके लिए मैंने एक बहुत ही दिल्ली सल्तनत की अच्छी ट्रिक करवाई है, आप उसे जरूर देखें मेरे वीडियो में ना, दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों और उनके संस्थापक के लिए ट्रिक है वो। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे एवं पहले राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के लिए कहाँ नवनिर्मित मल्टी मॉडल टर्मिनल का लोकार्पण 12 नवंबर 2018 को किया? ओके, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना। तो कहाँ किया है? वाराणसी में। इस प्रोजेक्ट को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिली है, आप ये भी याद रखिए। ओके, नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कि किस धारा में अस्पृश्यता का अंत करने से प्रोद्भूत अधिकारों का संबंधित व्यक्तियों द्वारा फायदा उठाना सुनिश्चित करने का राज्य सरकार का कर्तव्य निर्धारित किया गया है? ए, धारा 15, धारा 15 का, धारा 16, धारा 14 का। ओके, कौन सा है? धारा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एक साथ दो उप प्रधानमंत्री हुए थे? ए, मोरारजी देसाई, बी, चरण सिंह, सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एंड डी, चंद्रशेखर सिंह। तो क्या करेक्ट आंसर है? ए,
मोरारजी देसाई। जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने मंत्रियों ने दो उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एवं जगजीवन राम को नियुक्त किया था। ओके, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और अभी लास्ट टाइम कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी। ओके, सत्य कथन का चयन कीजिए। माहे केरल राज्य में अवस्थित है। यनम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पुडुचेरी कर्नाटक राज्य में स्थित है। कराईकल आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपको सही कथन बताना है कौन सा है। ओके, तो कौन सा है, ए माहे केरल राज्य में स्थित है। यमन जो है आंध्र प्रदेश में है, आपको याद रखना है, ना कि तमिलनाडु में। कराईकल तमिलनाडु में है। ओके, और माहे केरल में है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो तीन राज्यों में फैला है। ओके, आपको ये तीनों याद रखना है कि यमन आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माही केरल। 21 में कॉमनवेल्थ गेम्स में किन खेलों को पहली बार शामिल किया गया। ओके, तो ये ऑप्शन मिस्टेक्स है, तो इसके साइड में मैंने लिखे बास्केटबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल, ओके, यानी बीच वॉलीबॉल, ओके, पावर लिफ्टिंग एंड उपयुक्त सभी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका जाएगा उपयुक्त सभी। ओके डी, ये तीनों को शामिल किया गया है। ओके, जबकि जूडो को हटाया गया है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सीस्मोसाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, अधिकेंद्र, एपिसेंटर, ये भूकंप मूल भी कहते हैं ना, उद्गम केंद्र, सॉरी सॉरी ना, अलग है। वह स्थान जहां से ऊर्जा तरंग उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं। वह बिंदु जहां पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर या 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। ओके, देश का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, गोवा। ओके, तो कहाँ किया जा रहा, आंध्र प्रदेश में। गाइस ये अभी इसी वीक की ये भी न्यूज है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर के क्वेश्चन में एवरी टेस्ट में लगभग, ठीक है, 10 करंट अफेयर क्वेश्चन इसी के पूरे उसके करता हूँ ईयर के, तो आप इन्हें जरूर अच्छे से कवर करें। ओके, नेक्स्ट, नवंबर 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन देशों की यात्रा की। मॉरिशस और मेडागास्कर, वियतनाम और जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम, साइप्रस और बुल्गारिया। ओके, तो कहाँ की ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम की। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कब स्थापित किया गया। 1985, 1986, 1988, 1990। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए 1985 में। ओके, तो भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना सन 1985 में की गई। वर्तमान में इस मंत्रालय की प्रमुख मेनका गांधी जी। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, परावैगनी किरणें। ओके, कौन सी होती हैं, अनुरक्त किरणें। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक 4 शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, ऋषभ पंत। तो किन्होंने बनाया, रोहित शर्मा ने। ओके, रोहित शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में चौथा शतक 6 नवंबर 2018 को बनाया। रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व में 4 शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। ओके, किस देश ने पूर्व घोषणा के अनुसार इजराइल में अपना दूतावास 15 मई 2018 को तेल अवीव से यरूशलम स्थानांतरित किया। अमेरिका, रूस, जर्मनी, फिलीपींस। ओके, तो किसने किया, अमेरिका ने।
गाइस, मैं आपको लास्ट वाले में ये बताना भूल गया था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, लखनऊ में, आपको भी याद रखना। ओके नेक्स्ट, कांग्रेस ने 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी ओर से मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, निम्नलिखित में से कौन एक इस समिति का सदस्य नहीं था? मोतीलाल नेहरू, तैयब जी, गांधी जी, जगत नारायण। ओके, तो कौन सा, जगत नारायण इसके सदस्य नहीं थे, डी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था, जबकि विटामिन सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ विटामिन एवं उसकी भूमिका की खोज किसने की थी? एन आई लोनिन द्वारा, जेनसन एम हांस द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, एम जे स्लाइडन द्वारा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, एन आई लोनिन द्वारा। ओके, शाजापुर, आगरमालवा और नीमच में सोलर एनर्जी पार्क के लिए कौन सी संस्था वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? IFC, ADB, न्यू डेवलपमेंट, IDB, IBRD। ओके, तो कौन सी करेगी, ए, IFC। ये वर्ल्ड बैंक समूह की संस्था है, IFC वित्तीय सहायता करेगी। ओके, चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है क्या कहलाता है? ए, पोलिए, दूसरा स्टेलेक्टाइट, सी, स्टेलेग्माइट, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो कौन सा कहलाता है, स्टेलेक्टाइट, बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में विकसित निसर्ग रुणा प्रौद्योगिकी क्या है? एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी, बी, एक समुद्री मत्स्यन विकास प्रौद्योगिकी, सी, एक यूरेनियम ईंधन संवर्धन प्रौद्योगिकी, एंड डी, खाद्य सुरक्षा के लिए परमाणु विकिरण प्रौद्योगिकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी। ओके, किस देश में 17 सितंबर 2018 को सफलतापूर्वक हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग कर विश्व की पहली ट्रेन चलाई गई है? जर्मनी, फ्रांस, जापान, फिनलैंड। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, ए, जर्मनी। जर्मनी दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलने वाली ट्रेन का सफल संचालन 17 सितंबर 2018 को किया गया। इस ट्रेन का नाम कोराडिया आइलैंड है। इस ट्रेन की निर्माता कंपनी फ्रांसीसी एल्स्टॉम है। ओके, याद रखिए जर्मनी में चली लेकिन फ्रांसीसी एल्स्टॉम है कंपनी का नाम। निम्नलिखित में से असत्य है, स्थल और नदियों का संगम, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी, ओलकनंदा, कर्णप्रयाग, टलकनंदा, उफनैड, सोनप्रयाग, विष्णु गंगा, मंदाकिनी, देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी, विष्णु गंगा और मंदाकिनी, ये असत्य है। ओके, इसकी ट्रिक है गाइस, मैं आपको एक दिन करवा दूंगा इसको। ओके, एक दो दिन में आपको इससे वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट, विश्व के 140 शहरों की ग्लोबल लिवेबिलिटी रिपोर्ट में 2018 में भारत के किन दो शहरों को शामिल किया गया है? नई दिल्ली और बेंगलुरु, नई दिल्ली मुंबई, मुंबई चंडीगढ़, मुंबई व अहमदाबाद। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, बी, नई दिल्ली व मुंबई। वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 की धारा 10 के अधीन आदेश पारित किया गया है, यदि अपनी माप और फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है तो वह किस धारा के अंतर्गत अपराधी समझा जाएगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 186, भारतीय दंड संहिता की धारा 187, भारतीय दंड संहिता की धारा 189, भारतीय दंड संहिता की धारा 188। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 186। भारतीय लिखा है, वो भारतीय है। ओके, नेक्स्ट, 10 मई 2018 को किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? अब्दुल रजाक, नजीब रजाक, महाथिर मोहम्मद, नसीद मोहम्मद। ओके,
तो करेक्ट आंसर क्या है? सी महाथिर मोहम्मद। ओके, ये सातवें प्रधानमंत्री के रूप में संबंधी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? घटना और स्थान, रैंड व एरेस्ट हत्याकांड बम्बई, जैक्सन हत्याकांड नासिक, कर्नल वायली हत्याकांड लंदन, जनरल डायर हत्याकांड लंदन। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? ए रैंड व एरेस्ट हत्याकांड। ओके, यह पुणे में हुआ था ना कि बम्बई में। 1857 की घटना है, दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्ण चापेकर बंदियों ने इनकी हत्या की थी। ओके, बाकी सही है। जैक्सन हत्याकांड नासिक में हुआ था, 1909 की घटना है, अनंत लक्ष्मण क्रांति का हिस्सा बनते थे। ओके, कर्नल वायली हत्याकांड लंदन 1909 में मदनलाल धींगरा ने इनकी हत्या की थी, और जनरल ओ डायर हत्याकांड लंदन 1940 ऊधम सिंह। ओके, धमनी का कार्य नहीं है, यह रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, यह लाल रंग की होती है, इसमें रुधिर दबाव कारण धीरे बहता है, इनकी दीवारें मोटी तथा पीसी होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, ये वाला करेक्ट नहीं है। ओके, मैं इनकी विशेषता बता देता हूँ। रुधिर आर्टरी की, रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती हैं, फेफड़ों में जाने वाली फुसफुसी धमनियों के तीन में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ओके, धमनियां मानव शरीर में काफी गहराई में होती हैं। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव शरीर में किस एक नई अंग की खोज की है? कॉर्टिसियम, सेब्रियम, इंटरस्टीटियम, कोई नहीं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी इंटरस्टीटियम। ये मानव शरीर के दूसरे सबसे बड़े अंग के रूप में इंटरस्टीडियम की खोज की, यह मानव शरीर का 80 अंग। ओके, 80वां। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए फॉन आल्पस पर्वत, बी पोरा पोलैंड, सी मिस्टल रायन घाटी एंड डी खमसिन मिस्र। ओके, तो कौन सा नहीं है? सी। देखिए, फॉन जो है आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल पर प्रभावित होती है, स्विट्जरलैंड सर्वाधिक प्रभावित होता है इससे। ओके, गर्म एवं शुष्क हवाएं। खमसिन मिस्र में प्रवाहित होती है और गर्म एवं शुष्क हवाएं। मिस्टल रोन नदी से भूमध्य सागर प्रवाहित होती है, स्पेन एवं फ्रांस से सर्वाधिक प्रभावित है। ओके, तो रोन नदी है ठंडी ध्रुवीय हवा है ना कि राइन। बोरा एड्रियाटिक सागर पूरी तरह प्रभावित, इटली और यूगोस्लाविया सर्वाधिक प्रभावित। ओके, तो ठंडी एवं शुष्क हवा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एवं रामसर स्थल, तीनों तीनों है? ओके, यानी राष्ट्रीय पार्क भी है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है, रामसर स्थल में भी शामिल है। चिल्का झील राष्ट्रीय उद्यान, मानस, केवला द्वीप, सुंदर वन। ओके, तो जो करेक्ट आंसर है कौन सा? केवला द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर के साथ रामसर स्थल भी है, यह अभयारण्य विश्व में सबसे समृद्ध पक्षी क्षेत्रों में से एक है। ओके, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानव पर्यावरण संबंधी स्टॉकहोम बैठक में हुई थी। सी इसकी स्थापना दिवस को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंड डी उपरोक्त सभी। ओके, करेक्ट क्या है? उपरोक्त सभी, डी करेक्ट है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी। ओके, तो करेक्ट क्या है? ए अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात 918 है, जो 2021 में 932 था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले जिले क्रमशः अलीराजपुर एवं डिंडोरी मंडला है। ओके, जून 2018 में मलेशिया में आयोजित महिला क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट किस देश ने जीता? ओके, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर क्या है? बांग्लादेश।
भारत को हराया था 3 विकेट से। ओके, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी अपराध के निवारण के लिए किसी अधिकारी को पुलिस या न्यायालय की शक्तियां प्रदान करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, अनन्य विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? राज्य सरकार, ए। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है का नाम है? प्रोफेसर UR राव, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर CN राव एंड डी डॉक्टर ES किरण। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? ए, प्रोफेसर UR राव। निम्नलिखित में से कहाँ ग्रेट बेयर झील व ग्रेट स्लैब झील स्थित है? USA में, केन्या में, चिली में, कनाडा में। तो कहाँ पे है? कनाडा में। पौधे तथा जंतुओं में निम्न अंतरों के आधार पर कौन सा कथन असत्य है? पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतुओं में नहीं। पादपों में प्राणहरित पाया जाता है जबकि जंतुओं में नहीं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जबकि जंतु पौधों पर निर्भर होते हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानी पाई जाती है जबकि पादप कोशिकाओं में नहीं। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? डी, ना ये रिवर्स है। ठीक है, जो रसधानी पाई जाती है पादप कोशिका में ना कि जंतु कोशिका में। निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि दर, आय की विषमता। ओके, तो कौन सा है? आय की विषमता। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर वायरस प्रकारों में शामिल है? बूट सेक्टर वायरस, डेटा फाइल वायरस, डायरेक्टरी वायरस, ये सभी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? डी, ये सभी। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोहेन, नरेंद्र कपानी, पसी एल स्पेंसर, TH माइमा। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? बी, नरेंद्र कपानी। ओके, नरेंद्र कपानी द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया गया। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया? ए, राजा मानसिंह को, बी, अब्दुल रहीम खान खाना को, सी, राजा बीरबल को एंड डी, राजा टोडर मल को। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, राजा बीरबल को। बीरबल हास्य व्यंग्य के विद्वान थे जिन्हें अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। इनका मूल नाम महेशदास था। ओके, चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2018 में इस दिवस की थीम थी वी कैन आई कैन, बी ऑप्शन आई कैन वी कैन, सी वी कैन फिनिश एंड डी वी कैन यू कैन। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? ए, वी कैन आई कैन। सुमेलित नहीं है राजवंश और राजधानी आपको। सुंग, पाटलिपुत्र, सातवाहन, पैठन, कदम, मैपुर, चंदेल, महोबा। ओके, करेक्ट क्या आंसर नहीं है? सी, कदम की राजधानी बनवासी थी ना कि मयूरपुर। ओके, कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसके मकान, गांव या निवास के मूल स्थान को छोड़ने हेतु विवश करता है या कराता है वह दंडनीय होगा। ए ऑप्शन, 6 माह से कम न होने वाले परंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकता है कारावास से और जुर्माने से। बी, 1 वर्ष से कम ना होने वाले परंतु जो 2 वर्ष तक हो सकता है कारावास से और जुर्माने से। सी, 1 वर्ष से कम ना होने वाले परंतु जो 3 वर्ष तक का हो सकता है कारावास और जुर्माने से। डी, 1 वर्ष से कम ना होने वाले परंतु जो 7 वर्ष तक का हो सकता है कारावास से। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? ए, 6 माह से कम ना होने वाले परंतु जो 5 वर्ष तक का हो सकता है कारावास से और जुर्माने से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से युग्म ही सम्मिलित नहीं है? यौगिक और वर्गीकरण, सैक्रीन, कार्बोहाइड्रेट, एड्रेनल हार्मोन, थायमिन, विटामिन, कैरेटीन, प्रोटीन। ओके, तो कौन सा है? ए,
सैक्रीन कृत्रिम शर्करा है, इसका अर्थ है आर्टिफिशियल है, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाएगा। गाइस इसके लिए मैंने बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाया है बायोलॉजी के तहत, आप उसे जरूर देखें। मैंने उसमें कार्बोहाइड्रेट और सैक्राइड्स नहीं, एक ही नाम है, इनके पूरे टाइप्स, विशेषताएं और जो शुगर सब्स्टिट्यूट है जैसे सैक्रीन, ओके, इन सब की मैंने डिटेल करवाई। ओके, तो आप मेरी एडवाइस से उस वीडियो को जरूर देखें। ओके, नेक्स्ट, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास व भूमध्य रेखीय परिधि है के 40,075 हुआ 12 है ना, 12,756 किलोमीटर। तो इसे आप रीड कर लीजिए चारों को, इसका आंसर बोले दे रहा। ओके, मीटर है, तो कौन सा है इसका आंसर? बी 12,756 हुआ 40,075 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, दस्तक अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई? गुना, दमोह, राजगढ़, रतलाम। ओके, तो कहाँ से हुई है? रतलाम से। नेक्स्ट, पुष्मित सुंग द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? सारनाथ, बेसनगर, अयोध्या, हाथी गुम्फा लेख। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी अयोध्या लेख से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समानांतर गणना के साथ जुड़ा होता है? लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, नोटबुक, सुपर कंप्यूटर। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित कौन सा ही कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है, बी वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा किसी देश में चलन में धातु मुद्रा है। तो कौन सा? बी वाला करेक्ट है, लीगल टेंडर मनी, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसने की थी? बैरम खान ने, हेमू ने, उदय सिंह ने, वीर सिंह बुंदेला ने। ओके, तो करेक्ट कौन सा है? डी वीर सिंह बुंदेला ने। सही है गाइस, अकबर ने सलीम को समझाने हेतु दक्षिण में अबुल फजल को बुलवाया, किंतु मार्ग में 1602 ईस्वी में सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। अबुल फजल की हत्या से अकबर बहुत क्रोधित हुआ, किंतु सलीम की दामी सलीमा बेगम ने इलाहाबाद जाकर सलीम को समझाया। सलीम ने आगरा जाकर अकबर से माफी मांगी तथा अकबर ने उसे माफ कर दिया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा का एक्सपो 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता, कटक, गुवाहाटी, भुवनेश्वर। ओके, कहाँ किया गया? सी गुवाहाटी में। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्जी विभाग की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? डी बलबन ने। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था। ओके, जिसका प्रधान आर जे मुमालिक होता था। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2018 में संशोधन करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा पर विशेष ध्यान दिया गया? धारा 438, धारा 538, धारा 338, धारा 186। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? ए धारा 338, जिसमें अग्रिम जमानत है, और इस अधिनियम की धारा कौन सी है? 18। ओके, ये इम्पोर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-47, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750-52, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758-63 एंड डी पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। ओके, तो कौन सा नियम? एच बी वाला। ओके,
कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 49 से है ना और 55 है। ओके, संसार की सर्वाधिक तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, कैलिफोर्निया, बेंगुला। ओके, तो कौन सी है? ए गल्फ स्ट्रीम। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। ओके, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर बनाया है? वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, भारत, न्यूजीलैंड। ओके, तो क्या है? न्यूजीलैंड। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अहमदाबाद के टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? मृदुला साराभाई, NM जोशी, VV गिरी, MK गांधी। ओके, कौन सा? डी MK गांधी। 1918 में गांधी जी द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी ये। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। ओके, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटस्ट्रैप क्या है? ओके, ये ऑप्शन, सिस्टम को बंद करने वाला प्रोग्राम है जब सिस्टम कंप्यूटर वायरस से प्रभावित हो जाता है। बी सिस्टम में पाए जाने वाले वर्म को फैलाने वाला लघु प्रोग्राम। सी अन्य आंकड़ों तथा प्रोग्राम को लोड करने वाला लघु प्रोग्राम जो कि रैम से एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा है? सी। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिकों की विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता, न्यायालय की अवमानना, लोक व्यवस्था, अवांछनीय आलोचना। ओके, कौन सा है? डी अवांछनीय आलोचना। ये गाइस, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(2) में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंधों का प्रावधान किया गया है। ओके, जो कि निम्न है: भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में, अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध उपरिदंड। ओके, तो गाइस हम लोगों ने मॉक टेस्ट 12 कर लिया, तो प्लीज़, हाँ गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।